दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक लीटर पानी की कीमत 45 लाख रुपए भी हो सकती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि एप्पल स्टोर में जॉब करने वाले कर्मचारियों की सैलरी कितनी होती है? और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक फूल की एक प्रजाति भी पाई जाती है जिसे सिर्फ देखने भर से इंसान के पसीने छूट जाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि मजबूत लोहे से बना सिलेंडर आखिर फट कैसे जाता है? और क्या आप एक ऐसी मेट्रो ट्रेन के बारे में जानते हैं जो पटरी पर नहीं बल्कि हाइब्रिड नावों के ऊपर चलेगी? और इससे भी ज्यादा मजेदार फैक्ट इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर एक, दुनिया भर में फूलों की कई विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है जिनका रूप, रंग और खूबसूरत आकृति देखकर किसी का भी मन खुश हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं धरती पर फूल की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जिसे देखने के बाद इंसान को खुशी नहीं बल्कि डर का एहसास होता है। इस फूल को स्नैपड्रैगन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है जिसकी आकृति एक ड्रैगन और इंसानी खोपड़ी के कंकाल से मिलती जुलती है। दरअसल जब इस फूल के पौधे पर पत्ते आते हैं तो उनकी आकृति ड्रैगन की तरह होती है, वहीं जब पौधे पर फूल खिलने लगते हैं तो वो हूबहू इंसानी कंकाल की खोपड़ी की तरह लगती है। ये खोपड़ी के कंकाल वाला फूल मुख्य रूप से मोरक्को, पुर्तगाल, फ्रांस, तुर्की और सीरिया जैसे देशों में पाया जाता है जिसके फूल अलग अलग रंगों में खिलते हैं। हालांकि इस फूल की खासियत है कि ये साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है जिसके पौधे की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है। ड्रैगन फूल में कई तरह के औषधीय तत्व होते हैं जो ट्यूमर और अल्सर जैसी बीमारियों का इलाज करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इस फूल में विटामिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिसकी वजह से इसके बीजों को निकालकर तेल बनाया जाता है। जिन देशों में यह फूल उगाया जाता है वहाँ के लोग इसे घर के आंगन या बालकनी में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इंसानी खोपड़ी वाले इस फूल को घर पर लगाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती है जबकि घर में खुशहाली और प्रेम बना रहता है। फैक्ट नंबर दो, भारत में गैस सिलेंडर से खाना बनाने से महिलाओं का जीवन काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है जिसकी वजह से उन्हें घंटों तक चूल्हे के आगे बैठकर खाना पकाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन सिलेंडर जितना उपयोगी होता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी होता है जिसमें ब्लास्ट होने से हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मजबूत लोहे से बना सिलेंडर आखिर फट कैसे जाता है और इसके लिए कौन सी वजह जिम्मेदार होती है? दरअसल सिलेंडर फटने के पीछे मुख्य रूप से दो वजह जिम्मेदार होती है जिसमें पहला गैस लीकेज और दूसरा एक्सपायर सिलेंडर। कोई भी गैस सिलेंडर एकदम से नहीं फटता है बल्कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। जब सिलेंडर से गैस लीक होती है तो वो छोटी सी चिंगारी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। इसकी वजह से सिलेंडर के अंदर से गैस तेजी के साथ खत्म होने लगती है और उसका प्रेशर भी कम हो जाता है जिसकी वजह से आग सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही आग सिलेंडर के अंदर घुसती है वो उसे अंदर से गर्म करने लगती है और इसकी वजह से सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। वही एक्सपायरी सिलेंडर में ब्लास्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी मजबूती कम होती है और इस वजह से सिलेंडर बहुत जल्द ही फट सकता है। जरूरी है कि आप सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें और गैस लीकेज की स्थिति में तुरंत सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दें जिससे दुर्घटना होने का खतरा ढल जाएगा। फैक्ट नंबर तीन, जिस तरह भारत में ज्यादातर युवा एप्पल का स्मार्टफोन खरीदने का सपना देखती है ठीक उसी तरह कई लोग एप्पल कंपनी में नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। इस कंपनी ने भारत के दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में एप्पल स्टोर की शुरुआत की है जहां कई लोगों को नौकरी दी गई है। अब आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर घूम रहा होगा कि एप्पल स्टोर में जॉब करने वाले कर्मचारियों को सैलरी कितनी मिलती होगी। हम आपको बता दें कि इस रकम को जानने के बाद आपको भी अपनी नौकरी छोड़ने का मन करने लगेगा। एप्पल स्टोर में काम करने वाले हर कर्मचारी को हर महीने 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा सैलरी दी जाती है क्योंकि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का साल का सबसे कम सैलरी पैकेज ही 12 लाख रुपए है। हालांकि एप्पल स्टोर में जॉब करने वाले कर्मचारियों ने MBA, MTech, BTech, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स की डिग्री हासिल की है जिसकी बदौलत उन्हें इतनी हाई सैलरी वाली जॉब ऑफर की गई है। इसी के साथ ही एप्पल स्टोर में काम करने वाले लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन कोर्स के लिए ट्यूशन और एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। यही वजह है कि एप्पल स्टोर में जॉब हासिल करना कई भारतीयों के लिए किसी सपने से कम नहीं है जहां आप हाई सैलरी के साथ कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
फैक्ट नंबर 4, दिल्ली के सबसे मशहूर बाजारों में शुमार खान मार्केट को कौन नहीं जानता, जो युवाओं के लिए किसी हब से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की जान कहे जाने वाले खान मार्केट का नाम किसने रखा था और इस बाजार की शुरुआत क्यों की गई थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि खान मार्केट को साल 1951 में सेंट्रल दिल्ली में बसाया गया था, जिसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के भाई अब्दुल जब्बार खान के नाम पर रखा गया है। इस मार्केट को बंटवारे के बाद भारत में आकर रहने वाले अप्रवासी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बसाया गया था, जो बीते समय के साथ एक बड़े बाजार के रूप में विकसित होता चला गया था। उस वक्त खान मार्केट में 154 दुकानें और 74 फ्लैट हुआ करते थे, जबकि उस दौर में यहाँ सिर्फ 74 पाकिस्तानी परिवार रहते थे। उस समय खान मार्केट में एक दुकान का किराया 50 रुपए हुआ करता था, जबकि एक फ्लैट की कीमत 9,500 रुपए थी। लेकिन बीते वक्त के साथ खान मार्केट में दुकान, रेस्टोरेंट और होटल खुलने लगे, जिसके बाद ये बाजार दिल्ली के सबसे महंगे बाजारों में शुमार हो गया। वर्तमान समय में खान मार्केट में एक दुकान का किराया लगभग 6 लाख रुपए है, जबकि यहाँ शहर के बड़े वकील, राजनेता, टीचर्स और पत्रकारों का जमावड़ा लगा रहता है। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया भर में रोड रेस के मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें दो पक्ष आपस में गाली गलौच और मारपीट करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रोड रेस के मामलों में गर्मी के सीजन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। खास तौर से भारत में लोग छोटी सी बात पर मारपीट करने लगते हैं। ये सवाल उठता है कि क्या गर्मी की वजह से आम लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो सड़क पर हिंसक घटनाओं का अंजाम देते हैं। साल 2019 में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि बदलते मौसम का असर रोड रेस के मामलों में बढ़ता है, जिसकी वजह से जब पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, वैसे ही रोड पर मारपीट की घटनाएं बढ़ जाती है। इस शोध से ये भी पता चलता है कि गर्म तापमान की वजह से इंसान के सोचने समझने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, जबकि ज्यादा टेम्परेचर में गाड़ी चलाने की वजह से उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर सड़क पर कोई गाड़ी आपस में टकरा जाए तो व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि गर्मी और पसीने के बीच उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंच जाता है। इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सामने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू कर देता है, जिसके जवाब में सामने वाला व्यक्ति भी हाथ छोड़ देता है, और इस तरह गर्म पारा इंसान के दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। फैक्ट नंबर 6, देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो के संचालन से आम लोगों को यातायात में काफी सुविधा होती है, जिसका किराया भी कम होता है और लोग समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में पानी के ऊपर चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जो पटरी पर नहीं बल्कि हाइब्रिड नावों के ऊपर चलेगी। इस वाटर मेट्रो को केरल के कोच्चि शहर में शुरू किया गया है, जो 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नावों के ऊपर चलेगी। ये वाटर मेट्रो हाईकोर्ट से वाइपन टर्मिनल तक चलाई जाएगी, जिसका किराया 20 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए वाटर मेट्रो में साप्ताहिक और मासिक पास का विकल्प भी है, जिसकी वजह से यात्रियों को रोजाना टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में इस वाटर मेट्रो को कोच्चि के 8 अलग अलग समुद्री किनारे से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों की यात्रा को आसान बनाने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने का काम भी करेगी। फैक्ट नंबर 7, गर्मी और बरसात के मौसम में चारों तरफ मच्छर का कहर देखने को मिलता है, जो डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वही जब कभी मच्छर काट लेता है तो वो त्वचा में तेज खुजली का एहसास होता है और उस जगह पर लाल दाने उभर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मच्छर के काटने पर खुजली क्यों लगती है? अगर नहीं तो आज इसके पीछे छिपी साइंटिफिक वजह भी जान लीजिए। इंसान को हमेशा मादा मच्छर ही काटते हैं, क्योंकि उसे अंडे देने के लिए खून चूसने की जरूरत होती है। मच्छर इंसान का खून चूसने के लिए उसकी त्वचा में नुकीली सूंठ जैसी सुई को चुभो देता है, जिसकी वजह से त्वचा में छेद हो जाता है। इस सुई के माध्यम से मच्छर की लाल इंसान की त्वचा के संपर्क में आ जाती है, जिससे बचने के लिए हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है और उस जगह पर सूजन यानी दाना बन जाता है। इस सूजन की वजह से त्वचा में तेज खुजली होने लगती है, जो हमारे शरीर को मच्छर की लार से बचाने के लिए एक प्रतिरक्षा की तरह काम करती है। वहीं कुछ लोगों की त्वचा में लाल दाने और खुजली ज्यादा होती है, जो अलग अलग बॉडी सिस्टम और टाइप की वजह से निर्मित होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मच्छर की लार से सुरक्षित बचने के लिए हमारा शरीर जो प्रतिक्रिया करता है, उसकी वजह से हमें तेज खुजली और दाने का एहसास होता है।
फैक्ट नंबर 8। यूं तो धरती पर चारों तरफ पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी कंपनियां पीने का पानी बेचकर हर साल करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। वही दुनिया भर के मशहूर सेलिब्रिटी और क्रिकेटर ब्लैक वाटर पीते हैं, जिसमें पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है और वह लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर ब्लैक वाटर से भी ज्यादा महंगा और कीमती पानी है, जिसे एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मॉडिग्लियानी नाम की कंपनी ने बनाया गया है। इस ब्रांड के एक लीटर पानी की कीमत लगभग 45 लाख के आसपास होती है, जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे महंगे पानी के रूप में दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि इस पानी में गोल्ड खोला हुआ है, जिसकी वजह से इसमें एल्काइन की मात्रा बढ़ जाती है। इस गोल्ड युक्त पानी को नियमित रूप से पीने से इंसान की बॉडी को सामान्य पानी की तुलना में ज्यादा एनर्जी मिलती है, जबकि ये पानी इंसान को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देता है। इस ब्रांड के पानी को फीजी, फ्रांस और आइसलैंड में ग्लेशियर से इकट्ठा किया जाता है, जो दुनिया का सबसे साफ और हेल्दी पानी होता है। वही इस पानी की हर बोतल को 24 कैरेट सोने से तैयार किया जाता है, जिसे खरीदने के लिए नीलामी में बोली तक लगाई जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।